कौन सी बहन बनी पॉलिटिशियन, क्यों छोड़ा अखाड़ा, क्या चल रहा है पीछे। नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। तो दंगल में बहुत से कैरेक्टर्स फोगाट फैमिली के सामने आए थे और वही किरदार दंगल 2 में भी नजर आ सकते हैं, लेकिन क्या उनका प्रोफेशन हो गया है चेंज? क्या अब रेसलिंग से ज्यादा कुछ और करने में मजा आ रहा है? जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, बात हो रही है बबीता फोगाट की। जी हाँ, बबीता हरियाणा के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने वो पोस्ट छोड़कर बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। तो काफी सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने बस फेम के लिए मूवी में अपना रोल दिखाया था और क्या ये ही उनका शुरू से निर्णय था? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो बॉलीग्राड स्टूडियोज लाया है आपके लिए इसका जवाब। बबीता भी अपनी बहन के जैसे ही काफी डेडिकेटेड रेसलर हैं, अनडाउटेडली, लेकिन वो एक कॉज के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं और ये कॉज है महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा जगह बनाना। जी हाँ, वो औरतों के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए फाइट कर उन्हें राइट्स दिलवाना चाहती हैं और यही कारण है कि वो पावर में आकर ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना चाहती हैं। मूवी दंगल में ऐसा कुछ नहीं दिखाया है क्योंकि तब ऐसा कुछ रियलिटी में भी नहीं था। उन्हें काफी रिकॉग्निशन मिला जिसके चलते वो ये बदलाव लाने का सोच पाई। दंगल 2 में जाहिर सी बात है कि डायरेक्टर कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं दिखाना चाहते, लेकिन जब उनसे इसके बारे में राय ली गई तो उन्होंने बबीता के नाम को काफी सराहा। दंगल 2 के बैकग्राउंड में ये स्टोरी तो फिट इन नहीं होती और डायरेक्टर रेसलिंग पर ही डिपेंड करना चाहते हैं और ऐसी ही कोई स्टोरी ढूंढ रहे हैं। और वहीं बातें ऐसी आई कि आखिर क्यों बबीता ने अखाड़ा छोड़ा और उनकी हार को इसकी जगह मानते हुए लोगों ने उंगलियां उठाई, लेकिन महावीर जी ने सर उठाकर जवाब दिया कि उनकी बेटियां भागती नहीं हैं और बबीता काफी हिम्मत वाली है, इसीलिए वो दूसरी बेटियों के हक के लिए लड़ना चाहती हैं। उन्हें काफी गर्व है इस बात का और इसीलिए वो डायरेक्टर साहब से जरूर बात करेंगे कि इसे भी दंगल 2 में कहीं ना कहीं तो दिखाया जरूर जाए। दंगल 2 के लिए जोरों शोरों से स्टोरी ढूंढी जा रही है और डायरेक्टर नितेश तिवारी काफी एक्साइटेड भी हैं मूवी को लेके। तो अब देखना ये है कि क्या नितेश स्टोरी फाइनलाइज कर पाते हैं या नहीं। तो तब तक के लिए आप शेयर करें हमारी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो जाते जाते इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।